हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पास हमारी क्लास 12th का जो चैप्टर 3rd है मैट्रिक्स, उसकी एक्सरसाइज 3.4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में। एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। अब इन किस प्रकार से आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इस एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्या यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर क्या चीज होता है, आपके पास देर आर सिक्स ऑपरेशन है ट्रांसफॉर्मेशन के होने मैट्रिक्स के ऊपर, दे थ्री ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड थ्री ऑफ विच आर कॉलम्स। मीन्स तीन तो आपके पास रो के कारण और तीन कॉलम के कारण होते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले था इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स मीन्स दो रो और दो कॉलम रो को, या दो कॉलम और दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देना, ठीक है। एंड सेकेंडली है हमारे पास द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी रो को, ठीक है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं जहां आपके पास के नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या कॉलम को कह लीजिए आप, ठीक है, आपके पास, ठीक है। एंड थर्ड आपके पास है इसके अंदर ये वन रो का, वन रो सेकंड रो का, सेकंड कॉलम का, थर्ड रो का और थर्ड कॉलम का, ठीक है। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम, द क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी रो के अंदर, ठीक है, किसी दूसरी रो को अगर हम कहें एक प्रकार से आपका मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर से ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर देना एक प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही कॉलम के ऊपर आपके पास किसी भी कॉलम के अंदर किसी दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर एक मैट्रिक्स का, इस ऑपरेशन का यूज करना आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। टू थ्री वन टू, फर्स्ट सबसे पहले हम रो ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। हमने कहा कि R1 और R2 को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो सेकंड बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट बन जाएगी। अगर हमने कहा कि हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो जो सेकंड कॉलम है वो फर्स्ट बन जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड बन जाएगा। ये चीज होगी आपके पास। अब किसी का मल्टीप्लाई करना, अगर आपने कहा कि मान लीजिए हम R1 को, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को सिर्फ सिंपली वैसे मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास वो क्या करते हैं, सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हमने स्पेशल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो पर, कह दिया, तो फर्स्ट रो को ही 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, और ये आपके पास सेम रहेगी सेकेंड रो, ठीक है। अगर कॉलम पर कह दिया, मान लीजिए आपको कहा गया सेकेंड कॉलम को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अंदर आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखें, सेकेंड कॉलम को, तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा, सेकेंड कॉलम को -1 से, इट मीन्स -3 -2 हो जाएगा आपके पास। क्लियर, आपके ये ऑपरेशंस हो गए। अब इनके बारे में देखें, मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपने फर्स्ट रो के अंदर, ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर क्या करना है आपने, या यूं सेकंड रो के अंदर, फर्स्ट रो में ना करके सेकंड रो पर कर लेते हैं, वो आपकी चॉइस है, जो मर्जी कर सकते हैं। सेकंड रो में से फर्स्ट रो का आपने 2 टाइम्स घटाना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सेकेंड रो पर करना है, तो फर्स्ट रो पर तो कुछ नहीं करना, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट तो एज इट रहेंगे आपके पास, ठीक है। अब सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, 1, इसमें से हमें ऊपरली रो का डबल करके माइनस करना है, 1 में से 2 का डबल माइनस किया, 2 का डबल हो गया 4, इसका माइनस करने पर आपके पास क्या बन जाएगा, -3, ठीक है, आपके पास ये चीज है बन जाएगी आपकी। क्लियर, और नेक्स्ट देखेंगे आपके पास इसी चीज के ऊपर, अगर 2 में से सेकेंड रो में से करना है ना हमने, 2 में से 3 का डबल 6 माइनस किया, तो क्या हो गया, -4 हो गया आपके पास। क्लियर, ये आपके पास हो गया। ऐसे ही कॉलम के ऊपर, मान लीजिए आपको कहा जाए कि फर्स्ट कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे आप अप्लाई, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड कॉलम का, ठीक है, आपका ये कोई जरूरी नहीं है, यही करना है हमेशा, कोई इंटीजर ही लेना होता है अपने, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आपके पास, C1 -C3 / 2 C2 कर लेते हैं, तो आपके पास देखेंगे इसके अंदर
हमने फर्स्ट कॉलम पर कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम तो एज इट रहेगा। अब फर्स्ट कॉलम में हमें क्या करना है, टू में से इस थ्री का थ्री बाय टू ठीक है माइनस करना है, इसको टू बाय थ्री कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाए ठीक है। यहाँ तो हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आगे तो हमें जैसी रिक्वायरमेंट वैसा करना ही पड़ेगा। थ्री से थ्री कैंसिल तो टू माइनस टू कितना हो गया जीरो, और वन में से इसका टू का थ्री बाय टू माइनस करेंगे सॉरी टू बाय थ्री तो ये फोर बाय थ्री हो गया। वन माइनस फोर बाय थ्री कितना हो गया माइनस वन बाय थ्री ठीक है। ये आपके पास ऑपरेशन हो गया क्लियर। अब इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे पता करते हैं, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स की बात अगर हम करें, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स ठीक है। मान लीजिए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ठीक है ऑफ द सेम ऑर्डर एम ठीक है, एम इंटू एम क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए ऑर्डर तो सेम ही रहेगा आपके पास ठीक है, रो और कॉलम। तो देन आपके पास सच दैट ए बी इजक्वल टू बी ए इजक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन बी इज कॉल्ड ठीक है इनवर्स ऑफ ए, सो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स मीन्स ए की पावर माइनस वन कह सकते हैं हम इसको ठीक है, एंड डिनोटेड बाय दिस, एंड ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और ए को हम क्या कह सकते हैं, ये आपका एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ठीक है, और जो उसका दूसरा मैट्रिक्स हो वो हमारे पास उसका इनवर्स हुआ। ऐसे ही आप ए को बी का इनवर्स कह सकते हैं तो बी आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा, मीन्स उसका इनवर्स फाइंड आउट किया। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब कि हम उसका इनवर्स पता कर सकते हैं ठीक है, वैसे इनवर्स पता कर सकते हैं नहीं कर सकते ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके लिए आपके डिटरमिनेंट मेथड का भी यूज किया जाता है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में। अभी फिलहाल हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से ही इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे क्लियर। इसमें एक चीज का खास रखना जरूरी है कि आपके पास ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स ठीक है, बिकॉज सिंस द प्रोडक्ट्स ऑफ बी ए एंड ए बी ऑलवेज इक्वल, इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये तभी पॉसिबल है आपके पास सॉरी बी ए ठीक है एंड क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स ठीक है, यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ठीक है। हमने मैंने जैसे आपको बताया एग्जिस्ट के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको पता चलेगा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिस नॉट एग्जिस्ट वाले कौन से केस बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम बात अभी फिलहाल कर रहे हैं कि अगर इनवर्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है आपके पास ठीक है तो वो आपका यूनिक होगा, हमने ये मान लेंगे। अब मान लेते हैं आपके पास ऐसा नहीं है, दो हैं बी और सी, मैंने क्या है दो मैट्रिक्स मान लिए जो आपके ए के इनवर्स हैं, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं मुझे ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू बी ए क्योंकि बी ए का इनवर्स है तो आइडेंटिटी के बराबर, सी ए का इनवर्स है सो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है। अब ए बी इक्वल टू बी आइडेंटिटी एंड ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल आल्सो आइडेंटिटी ठीक है, आपके पास ये आया। तो आपके पास अगर हम इसको यूं लिखें कि बी को मैं बी आइडेंटिटी लिख सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी क्या चीज़ है आपके पास मैट्रिक्स ठीक है, जिसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और बी आइडेंटिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी लिख सकता हूँ, नहीं ए सी लिख लेते हैं ठीक है, और आपके पास बाय कौन सी ला एसोसिएट ला, मैं बी ए सी को मैं बी ए सी लिख सकता हूँ, और बी ए को हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं आइडेंटिटी सी, आइडेंटिटी सी सी हो गया, आपके पास क्या हुआ बी इज इक्वल टू सी आ गया, सो इसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक ही होगा आपके पास क्लियर। और इसके अंदर एक थ्योरम और बनती है थ्योरम फोर आपके पास, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए और बी दोनों इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करें उसका इनवर्स फाइंड आउट करें, या बी इनवर्स ए इनवर्स करें वो आपके आपस में इक्वल होंगे ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास यहां से अराइज होती है क्लियर। और ऐसे ही आपके पास हमने एक क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को एडवांस तैयारी कर रहा होगा उसने मतलब देखा होगा ठीक है, कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।
आपके पास क्या कहा गया कि ए और बी दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मीन इन दोनों के इनवर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। मान लेते हैं हम ए बी हमारे पास, ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशंस भी आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो ए बी इनवर्स की बात की गई है। अगर आप सी, एक प्रकार से सी को सी इनवर्स से करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगा, सी को हमने ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मान लिया, ठीक है, तो आपके पास उस चीज पर बात कर रहे हैं हम। अब दोनों तरफ अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी इनवर्स आपके पास और इज इक्वल टू आइडेंटिटी था, तो ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने बोथ साइड्स। तो ब्रैकेट तो आपके पास एक स्टेप में यहां लगी होगी, लेकिन अगले स्टेप में बाय एसोसिएट आप यहां का लगा दें, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास क्या बन गया, आइडेंटिटी बी बन गया आपके पास, ए बी इनवर्स, और ए इनवर्स को आइडेंटिटी से करके ए इनवर्स ही आ जाएगा, ठीक है, और यहां से अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, फिर प्री मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से, और ये ब्रैकेट के अंदर ही आपके पास ए इनवर्स, ठीक है, ये चीज। अब इसके अंदर आपके पास बी इनवर्स को फिर हम क्या कर रहे हैं, आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहां आपके पास पीछे ना लिखकर हमें आगे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे लिख रहे हैं, तो बी इनवर्स ए इनवर्स आपके पास, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगले स्टेप में आप आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे, इस प्रकार से आपका ये कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस को कैसे यूज करना है आपने। एग्जांपल नंबर 23 के अंदर आपको कह रहा है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, आपको इसके अंदर कुछ नहीं कहा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो ऐसे सवालों के अंदर आप हमेशा ही आपकी च्वाइस है, जो मर्जी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों ही तरह के अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, रो से भी और कॉलम से भी, कि किस प्रकार से करेंगे आप, ठीक है। बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, वी मे राइट, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स आपको क्या दे रहा है, ये 1, 2, 2, -1, और आइडेंटिटी आपके पास क्या होता है, 1, 0, 0, 1, और ये ए हो गया। अब हमारा टारगेट, मैंने आपको क्या कहा, हमें इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी इक्वल टू बी ए के अंदर, मींस इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले तरीका क्या रहेगा, अगर आप आइडेंटिटी बनाने हैं, आपने इसको वन करना, फिर इसको जीरो करना, फिर इसको वन करना, फिर इसको जीरो करना, मीन्स इस शेप के अंदर हम यू की शेप के अंदर चलेंगे, ठीक है, वन करेंगे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप इसको जीरो करेंगे, थर्ड स्टेप इसको वन करेंगे, फोर्थ स्टेप इसको जीरो करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला स्टेप इस एलिमेंट को वन करना, वन करने के लिए आपके पास तीन, क्योंकि रो लगा रहे हैं, तीन रूल आपके पास, इंटरचेंजिंग, किसी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, किसी भी स्केलर नंबर से, कोई भी दूसरा स्केलर रो मल्टीप्लाई करके कुछ दूसरी स्केलर रो को जोड़ना या घटाना, हमारे पास एड या सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब ऑलरेडी ये वन है हमारे पास, तो अब ये पहला स्टेप कंप्लीट, इसको करेंगे, अब इस पर क्या लिखेंगे हम, अप्लाइंग, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जीरो करना है सेकंड रो को, इस एलिमेंट को, तो ऑपरेशन तो पूरी रो पर अप्लाई होगा ना, सेकंड रो के में से क्या करेंगे, फर्स्ट रो का 2 times माइनस कर देंगे, तो आपके पास देखेंगे दोनों ही तरफ वही चीज हो जाएगी, सेकंड रो पर कर रहे हैं तो फर्स्ट रो आपकी एज इट रहेगी, सेकंड रो 2 में से 1 का डबल माइनस किया 0, माइनस 1 में से 2 का डबल माइनस किया -5, 0 में से 1 का डबल माइनस किया -2, 1 में से 0 का डबल माइनस किया 1, ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब मेरा स्टेप है इसको 1 करना, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसका इसमें 3 times ऐड कर दें 6 हो जाएगा, 3 times ऐड करके -5 1 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ सिचुएशन बिगड़ जाएगी फिर आपकी वो, ठीक है ना, क्योंकि 0 में 1 का 3 times ऐड करके ये 3 हो जाएगा, यहाँ सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसके अंदर इसको तो आप जोड़ घटा करके या अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर कुछ भी कर ले, लेकिन इसमें हमेशा जब भी वन करना हो तो हमेशा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, फर्स्ट रूल अप्लाई करना है अपने मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है ना, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला, तो वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अप्लाइंग आपके पास सेकेंड रो को हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1/5 से, तो यहाँ से आपके पास देखें क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो पर कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम रो आपके पास सेम रहेगी 1, 0, इसको किया तो 0 आएगा, इसको करेंगे 1 हो जाएगा, इसको किया -, -+2/5, और यहाँ से -1/5,
ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको जीरो करना, ये वन हो गया, अब ये जीरो करना है। इसके लिए वही चीज आपके पास जो हमने ऊपर किया था, अप्लाइंग आपके पास फर्स्ट रो पर अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो में से सेकंड रो का टू टाइम्स माइनस कर देंगे। तो आपके पास ऐसा क्यों हुआ, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इधर जीरो है आपके पास एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स पर इस कॉलम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें आप देखें हम अप्लाई कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि रूल रो पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सेटिंग करते हैं हम हमेशा कॉलम की, जैसे फर्स्ट कॉलम सेट किया फिर सेकंड कॉलम सेट करते हैं, ऐसे ही अगर तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसमें भी ये करते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम को सेट करते हैं फिर सेकंड को फिर थर्ड कॉलम को सेट करते हैं हम। अब इसके अंदर आपके पास ये हो जाएगा आपका सर, आपके पास सेकंड रो पर तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, उसका तो हम यूज कर रहे हैं, तो सेकंड रो आपके पास यही रहेगी माइनस वन बाय फाइव ए, वन में से जीरो का डबल माइनस किया तो वन ही रहेगा, टू में से वन का डबल माइनस किया जीरो हो जाएगा, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका। वन में से इसका डबल फोर बाय फाइव माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाय फाइव, एंड जीरो में से आपके पास माइनस वन बाय फाइव का हम माइनस करेंगे, हमारे पास डबल माइनस करना, जीरो में से डबल माइनस टू बाय फाइव हो जाएगा, माइनस के कारण क्या हो जाएगा टू बाय फाइव हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, आपके पास नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास वन बाय फाइव टू बाय फाइव टू बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, आपके पास ये क्योंकि दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इनके लिए शॉर्टकट मेथड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए हम बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ के अंदर, क्योंकि फोर्थ में भी हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है ना, वहां हम बात करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट में सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी जरूरी है, ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट में सीखेंगे, इसलिए हम वहीं पर इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी एग्जांपल नंबर 23 को हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके देखते हैं कि कॉलम से आप किस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखें कैसे हमने इनको करना है, क्वेश्चंस को वो देखेंगे। कॉलम के अंदर आपके पास क्या चीज है, आपके पास बाई यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम वी राइट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए, ठीक है, और ए आपके पास आगे आ गया। अब आपके पास कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम में क्या होता है आपकी रो की सेटिंग की जाती है, ठीक है ना, रो को सेट किया जाता है, क्योंकि कॉलम माइनस करेंगे ना हम, तो उसके अंदर भी आपके पास यही रहता है वन जीरो जीरो वन, मीन्स सबसे पहले आपने इसको वन करना, फिर इसको जीरो करना, फिर वन करना, फिर जीरो, मीन्स ये चीज उल्टी सी की तरह स्टेप अप्लाई करने पड़ते हैं इसके अंदर हमें, ऐसा कॉलम के अंदर ही होगा क्योंकि कॉलम चीज है। अब ऑलरेडी ये वन है, अब इसको जीरो करना है तो क्या हो जाएगा अप्लाइंग आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अप्लाइंग की जगह कई बार आपको ऑपरेटिंग शब्द भी लिखा मिल जाता है, ठीक है, वो दोनों एक ही बात है, कई बार कुछ टीचर ऑपरेटिंग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, वो दोनों एक ही बात है, अप्लाइंग कह लें या ऑपरेटिंग कह लें। आप सेकंड कॉलम में से अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का टू टाइम्स माइनस करेंगे, ठीक है, तो मैंने इसे क्योंकि कॉलम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कॉलम के कारण आपके पास इस एलिमेंट को सेट करना पड़ा, हमें रो सेट होती है इसके अंदर आपकी, तो फर्स्ट कॉलम आपके पास एज इट रहेगा, ठीक है, वन टू वन जीरो। अब टू में से वन का डबल माइनस किया तो जीरो, माइनस वन में से टू का डबल माइनस किया तो माइनस फाइव, जीरो में से वन का डबल माइनस किया तो माइनस टू, वन में से जीरो का डबल माइनस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा वन में से वन ही रहेगा, ठीक है। अब इसको वन करना, वो आपको बताया था कि ये तो वन हम किस कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन इसको वन जब भी करना है हमने तो क्या करेंगे हम हमेशा, क्योंकि लास्ट जब बनाना ना हो, टू ऑर्डर में आपके पास वन जीरो जीरो वन ये लास्ट होता है, तीन ऑर्डर होता तो आपके पास वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ये लास्ट होता, इसके ऊपर आपको मल्टीप्लाई वाला ही ऑपरेशन अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग हमारे पास अप्लाइंग, ठीक है, हम सेकंड कॉलम को अप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई फाइव से आपके पास, ठीक है, वन टू, तो फर्स्ट रो तो आपके पास सेम रही, जीरो वन बन गया ये, ठीक है, फर्स्ट कॉलम तो आपका सेम रहा, ये माइनस टू बाई फाइव बन गया और ये आपके पास वन बाई फाइव बन गया, ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास, क्लियर। अब इसी चीज के ऊपर अप्लाई करते हुए हमारे पास देखना में हमें इनको जीरो करना होगा, ठीक है, इस स्टेप्स को हम जीरो कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या बन सकते हैं आपके पास ही। अब इस चीज के लिए करने के लिए आपके पास टू बाई फाइव
ये माइनस टू बाई फाइव, ये पॉजिटिव आनी चाहिए थी टर्म से, नेगेटिव कैसे है एक मिनट देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं इसको। बिल्कुल सही, ये माइनस वन बाई फाइव से, फाइव से तो मल्ट वन बाई फाइव से तो कर दिया, माइनस से किया नहीं, तो ये पॉजिटिव होना था, ये नेगेटिव होना था आपके पास, ठीक है ना। तो अब इसको जीरो करना है हमने, ठीक है, अप्लाई करेंगे आपके पास अप्लाइंग, ठीक है, इसको सेकंड फर्स्ट कॉलम पर करना है, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम का टू टाइम्स माइनस कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा आपके पास। अब इसमें देखिए आपके पास 1001, इधर आपके पास ए है, ठीक है, सेकंड कॉलम आपके पास है, ठीक है, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्लियर। इन पर आगे देखेंगे हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास वन में से टू बाई फाइव का डबल मीन्स फोर बाई फाइव माइनस किया तो वन बाई फाइव, जीरो में से माइनस वन बाई फाइव का डबल मीन्स माइनस टू बाई फाइव माइनस किया, इट मीन्स टू बाई फाइव, ठीक है। सो आपके पास ए इनवर्स आपका क्या बन गया, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव एंड माइनस वन बाई फाइव, ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्लियर। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, उसके अंदर देखते हैं हम किस प्रकार से इसको करेंगे 24 को, क्योंकि तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हम बाद में करेंगे, हम फिलहाल अभी दो ऑर्डर के मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे कि किस प्रकार से आपने क्वेश्चन को करना है। एग्जाम्पल नंबर 25 में आपको कह रहा है फाइंड पी इनवर्स इफ एग्जिस्ट पी इज इक्वल टू मैट्रिक्स, आपको दिया गया, अगर एग्जिस्ट करता हो तो हमने तो वही लिखना है, बाय यूजिंग, आपके पास हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन वी मे राइट ए इज इक्वल टू आपके पास आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी पी मैट्रिक्स, आपको पी गिवन है ना इसके अंदर, तो पी शब्द का ही प्रयोग करना होगा। तो आपके पास पी मैट्रिक्स क्या दे रहा है, ये 10 माइनस 5 माइनस 2 1 1 0 0 1 पी आपके पास, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले इसको 1 करना, ठीक है, अगर आप इसमें से इसका डबल माइनस डबल ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, हमें तो इसको 1 करना है ना, ठीक है, तो 1 करने के लिए हमें करना क्या होगा आपके पास, किस प्रकार से हम 1 कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर भी उस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन हमारे अभी आप उन चीज़ों के ऊपर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, वो उन चीज़ों का यूज करना आपके सिलेबस में नहीं है अभी तक, और उसके अंदर आप इनवर्स फाइंड आउट करने के अंदर मिस्टेक हो सकती है आपसे, इसलिए हमेशा एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है आपने। अब इसको 1 करने के लिए हमारे पास मेथड क्या बचा, सेकंड सॉरी फर्स्ट रो को, ठीक है, अप्लाई कर दें हम, अप्लाइंग हमारे पास फर्स्ट रो के ऊपर, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रो का ऑपरेशन अप्लाई करना था। अब या तो इसको 1/10 से करूं या दूसरी रो को इसमें ऐड करूं, वो अगर 0 बनेगा, इंटरचेंज करके भी नहीं बन सकता ये, तो ऑब्वियसली बचा क्या आपके पास, मल्टीप्लिकेशन रूल आपके पास, ठीक है। तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो आपके पास के ऊपर अप्लाई करना है, सेकेंड रो आपके पास एज इट रह जाएगी, ठीक है। 10 का ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1/10 से आपके पास माइनस 1/5 आ गया, ठीक है, माइनस 1/5, और ये 1/10 से 1/10 हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब इसको 0 करना है आपने, ठीक है, अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि रूल आपके पास वही चलता है, अप्लाइंग सेकेंड रो में से आपको, ठीक है, फर्स्ट रो का ये माइनस खुद है तो 5 × 5 टाइम्स आपको ऐड करना है, ठीक है, तो ये तो आपके पास सेम रहेगा फर्स्ट रो, तो 1/10 0, ठीक है, 5 टाइम्स ऐड किया 0, इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा माइनस 1, ऐड किया 0, इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 1/2, ऐड किया 1/2, इसका 5 टाइम्स 0, तो 1 का 1। अब इसमें क्या हुआ, एक कॉलम एक रो ही आपके पास 0 0 आ गई। अब कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर आपके पास 0 0 आ जाता है, उसके सारे एलिमेंट 0 आ जाए, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, वी हैव ऑल जीरोज, ठीक है, इन द सेकेंड रो, आपके पास सेकेंड रो के अंदर ऑल एलिमेंट्स आपके पास सभी 0 हैं, ठीक है, सो पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आपका जो पी इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, उनको हमें किस प्रकार से करना है, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस हम करके देखते हैं उनके एक्सरसाइज के, कि किस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे। आपके पास इनको बाय यूजिंग हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही मान लेंगे, ठीक है, और मैट्रिक्स ए ही मान लेते हैं इनको, ठीक है। आपके पास पहले क्वेश्चन में देखें, इन्होंने कहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन द एक्सरसाइज 1-17, अगर एग्जिस्ट करता है।
आपके पास ये मोस्टली सारे एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसकी कोई भी रो या कॉलम एलिमेंट जीरो बन जाएगी। आपके पास हम क्या कर रहे हैं, टू ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के आपको 14 क्वेश्चन दिए गए, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और 14 तक आप खुद आगे ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। आपके पास ए मैट्रिक्स लिख लिया हमने 1-1, 2-3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1-0-0-1 और ए आपके पास, ठीक है। अब आपका रूल, पहला एलिमेंट रूल, इसको जीरो करना, सॉरी वन करना, ये वन हो गया आपके पास, फिर इसको हमें जीरो करना, तो अप्लाइंग करेंगे हमारे पास, अप्लाइंग सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का -2 टाइम्स आपके पास 1-1, 1-0, a, ये जीरो हो गया। थ्री में से इसका डबल -2 माइनस किया तो 5 बन गया, ठीक है, जीरो, जीरो में से इसका डबल माइनस किया तो -2, 1 का 1, अब इसको 1 बनाना है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन ही अप्लाई होगा इस पर, तो R2 को हम, ठीक है, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या बन गया, ये 1-1, 0, 1 आ गया आपके पास 1-0, a, इसको करना है तो -2/5 हो जाएगा और ये 1/5 हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसी चीज का यूज करते हुए आपने आगे क्या करेंगे, हम इसके अंदर फिर अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग आपके पास ये 1 बन गया, अब इसको R1 पर अप्लाई करेंगे, R1 के अंदर हमें कैसे होगा आपके पास, ठीक है, R1 में कैसे होगा, R2 को हमने सिंपली ऐड कर देंगे, तो आपके पास 1-0-0-1 बन गया ये, क्योंकि आपने इसको ऐड कर दिया, जीरो तो को ऐड करने का वन ही रहना, इधर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे इस चीज को, यहां आपके पास जीरो हो गया, इसमें 1 को इसके अंदर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3/5 हो गया आपके पास, ये -2/5 है, जीरो के अंदर इसको ऐड कर दिया कितना हो गया, 1/5 हो गया, और ये आपके पास 1/5 है ही ऑलरेडी, ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया, क्लियर, इस तरीके से आपने इनको कर लेना। हैंस आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आपका 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5 आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आपका ए इनवर्स बन जाना है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास इसका इसी क्वेश्चन के अंदर आपका सेकेंड पार्ट, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, उसके अंदर भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है, सभी के अंदर हमें करना है, हम 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं आज करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर सेम आपके पास इसी प्रकार से ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए कहा गया, आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ए मैट्रिक्स दे रहा है आपको 2-1, 1-1, ठीक है, 1-0-0-1 a, अब मेरा टारगेट है इसको 1 करना, 1 कैसे हो सकता है, इंटरचेंजिंग से हो सकता है, पहला नंबर तो फर्स्टली, सेकेंडली आप फर्स्ट रो में से सेकेंड रो का 1 टाइम्स माइनस कर दें, ठीक है ना, तो भी आपके पास 2-1 के कारण ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाइंग आपकी चॉइस जो मर्जी कर लें, इंटरचेंजिंग सबसे बेटर रहता है, फर्स्ट और सेकेंड रो ये 1-1, ये 2-1 हो गया आपके पास, ठीक है, 0-1, 1-0 हो गया, अब ये 1 हो गया, अब इसको मुझे 0 करना है, अब इसके लिए क्या करना होगा, अप्लाइंग आपके पास R2 में पर अप्लाई करना है, R2 में से R1 का 2 टाइम्स माइनस करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट रो तो सेम रहेगी 0-1 a, 2 में से 1 का डबल माइनस किया 0, 1 में से 1 का डबल माइनस किया -1, 1 में से 0 का डबल माइनस किया 1, 0 में से 1 का डबल माइनस किया -2, अब इसको 1 बनाना है, अब ये 1 कैसे बनेगा आपके पास, ठीक है, इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरचेंज किया तो ये सिस्टम बिगड़ जाएगा आपके पास, आपको बताया हुआ है लास्ट हमारे पास हो गया ना ये, ठीक है, इसको आपने 1 करने के लिए मल्टीप्लाई ही करना होता है हमेशा, मल्टीप्लाई ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R2 को हम, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, क्योंकि -1 से -1 +1 बन जाएगा आपके पास ये, तो ये क्या हो गया आपके पास 1-1, 0-1 आ गया आपके पास, एंड 0-1, -1, -+2 हो जाएगा आपके पास, क्लियर, अब ये 1 बन गया, अब इसको 0 करना हमें, इसके लिए अप्लाइंग आपके पास R1 पर अप्लाई करेंगे, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1-1 माइनस हो जाएगा ना आपका ये 1-0-0-1, इधर तो यही हो जाएगा, और इधर सेकेंड रो तो आपके पास यही रहेगी, और फर्स्ट रो 0 में से -1 को माइनस किया तो 1, 1 में से 2 माइनस किया तो -1 आपके पास, क्लियर, ये चीज हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये सेकंड क्वेश्चंस का आंसर बन जाता है, क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस,
इसका अंदर में क्या करना होगा आपके थर्ड क्वेश्चन के अंदर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी सेम इसी प्रकार से अप्लाई करना है हमें, ठीक है। मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करके बता रहा हूँ, आप चाहें तो एक आधे क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ए मैट्रिक्स दे रहा है 1 3 2 7, ठीक है, इसको टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 ए आपके पास, ठीक। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाइंग आपके पास सबसे पहले अप्लाइंग आप किस पर क्या करना है, आपको इसको वन करना था, ये ऑलरेडी वन है, अब इसको जीरो करना है। तो ये जीरो कैसे होगा, सेकेंड रो में से आपको फर्स्ट रो का 2 माइनस कर देंगे, 2 टाइम्स माइनस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1 3 1 0, ठीक है, ए आपके पास। 2 में से 1 का डबल माइनस किया 0, 7 में से 3 का डबल माइनस किया 1 आपके पास, 0 में से 1 का डबल माइनस किया -2, 1 में से 0 का डबल माइनस किया 1, ठीक है, ये आपका 1 कर लिया, फिर ये 0, अब इसको 1 करना है। अब ये ऑलरेडी 1 है, तो तीसरा स्टेप आपका, देखो यहाँ से पहला स्टेप बचा, यहाँ से आपका दूसरा यूज कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो तीसरा स्टेप भी बच गया आपका, लास्ट फोर्थ स्टेप इसको 0 करना। अब इसको 0 करने के लिए क्या करना है हमें, ठीक है, अप्लाइंग करेंगे हम, अप्लाइंग आर वन के ऊपर हमारे पास आर वन में से आर टू का 3 टाइम्स माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर देखें किस प्रकार से आपके पास आ जाएगा, 1 0 0 1 हो गया आपके पास, सेकंड रो के तो एलिमेंट आपके पास एज इट रहेंगे, फर्स्ट रो के 1 में से इसका डबल 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, -6, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस, 1 में से -2 का 3 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस आपका क्या बन गया, 7, एंड 0 में से आपके पास 1 का 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो गया आपके पास, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया आपके पास, क्लियर। सो हेंस आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस ए इनवर्स आपके पास क्या बन गया, 7 -3 -2 एंड 1, क्लियर। आप ए इनवर्स डायरेक्ट 2 ऑर्डर का पता करने के लिए, हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनके मेथड से जो बाइट अक्षर आ रहा है उसको छोड़ दें, अगर हम उस वैल्यू को अगर नेगलेक्ट कर दें, क्योंकि वो डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो एक छोटा सा लॉजिक बनाकर सोचने की कोशिश करें कि कैसे यहां से इसका इन्वर्स ये बना, ठीक है, क्या लॉजिक अप्लाई हुआ हुआ है इसके बीच में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे आप, बाकी पर भी, बाकियों में भी आपके पास सिर्फ नीचे जो अक्षर है उसको छोड़ देंगे, वो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, और लॉजिक बाकी 2 वाले ऑर्डर के अंदर सेम अप्लाई होता है, उसको सोचेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 14 तक, ठीक है, ऑर्डर 2 के क्वेश्चन ही है आपके पास, इनवर्स फाइंड आउट करना, इनको करके देखेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार की अगर आपकी कोई रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई आप बात कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे 9541207734 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताते हुए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी क्लास के बारे का मेंशन तो आप करेंगे करेंगे इसके अंदर साथ में, ठीक है। अगर किसी और क्लास के स्टूडेंट हैं आप तो उसके बारे में बता सकते हैं, अगर आप टीचर्स हैं तो उसके बारे में भी जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर, अपने दोस्तों मित्रों से इसको जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको जरूर मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।